भोजपुरी हीरोइन की पॉपुलर अभिनेत्री चांदनी सिंह का जन्म 9 अगस्त 1993 को बिहार में हुआ था। चांदनी सिंह बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से इनके घर वाले चाहते थे कि चांदनी पढ़ लिख कर एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बने। लेकिन चांदनी सिंह का सपना था कि वो भोजपुरी मॉडल के रूप में काम करे और इसके लिए चांदनी ने बहुत मेहनत भी की है। एक्ट्रेस चांदनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जिस गाँव से आती है वहाँ से कोई भी भोजपुरी में काम नहीं करता है और उनके कोई भी खानदान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भोजपुरी से ताल्लुक रखता हो। एक्ट्रेस चांदनी सिंह के परिवार के बारे में बात करें तो चांदनी सिंह के माता पिता के अलावा इनके दो भाई हैं और एक भाभी। एक्टर चांदनी सिंह की कोई बहन नहीं है। एक्ट्रेस चांदनी सिंह के परिवार वालों ने कभी भी उन्हें भोजपुरी में आने से मना नहीं किया था, बल्कि चांदनी सिंह के परिवार वाले इनका पूरा सपोर्ट करते हैं। एक्ट्रेस चांदनी सिंह आज भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। चांदनी सिंह के काम से इनके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश हैं। चांदनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी म्यूजिक एल्बम पलंग करे चोए चोए से, ये गाना उस दौर का गाना माना जाता है। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने 2018 में भोजपुरी फिल्म में मैं नगीना तू सपेरा से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया था। इस फिल्म में चांदनी सिंह के अलावा भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और निधि झा थी। साल 2019 में उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के दबंग स्टार पवन सिंह के साथ क्रेक फाइटर फिल्म में काम किया था। फिर उसी साल 2019 में इन्होंने संजीव पांडे और प्रियंका पंडित के साथ एक और फिल्म बद्रीनाथ में काम किया था। चांदनी सिंह को पहली फिल्मी करियर में एक आइटम सॉन्ग के तौर पर फिल्मी एक्ट्रेस से ज्यादा पहचान मिली है। चांदनी अब तक कई दर्जन भोजपुरी एल्बम्स में काम कर चुकी है। इन्होंने साल 2019 में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के साथ भोजपुरी सॉन्ग कलोनी के मम्मी दोबारा जैबू किया था। साल 2019 में ही सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ सॉन्ग रोफतारे सैया। साल 2020 में भोजपुरी दबंग सुपरस्टार पवन सिंह म्यूजिक एल्बम सॉन्ग आंख ना मिला पैबू हो, जो साल का लोकप्रिय गीत साबित हुआ था। वही साल 2021 में फरार हो गया मेहरारू में खेसारी लाल यादव के साथ म्यूजिक एल्बम में काम किया था। इस सॉन्ग को लोगों ने खूब प्यार दिया था। चांदनी सिंह ने अपने अब तक के करियर में बहुत ही कम समय में भोजपुरी सिनेमा को कई हिट एल्बम सॉन्ग्स और फिल्में दी हैं। भोजपुरी अभिनेत्री चांदनी सिंह ने बहुत ही कम समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। इनका एक गाना सड़िया जब जब पहनी भी काफी ज्यादा हिट हुआ था। अभिनेत्री चांदनी सिंह अब तक कई भोजपुरी आइटम सॉन्ग्स में नजर आ चुकी हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ जय जय जगपति सॉन्ग्स रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया था। एक्ट्रेस चांदनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको जिस गाने से लोग जानने लगे थे उस गाने का नाम था पलंग करे चोए चोए। इस गाने में चांदनी सिंह ने खेसारी लाल यादव के साथ काम किया था। इस गाने में लोग चांदनी के एक्टिंग और डांस को खूब पसंद किया था। इसके बाद चांदनी सिंह ने बहुत सारे भोजपुरी सुपरहिट गाने दिए हैं जो आज भी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, चांदनी सिंह को लिट्टी चोखा और फास्ट फूड बहुत पसंद है। घूमने के लिए इन्हें पटना, मुंबई, गोवा बहुत पसंद है। इन्हें गायन में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गाने सुनना बहुत पसंद है। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री चांदनी सिंह के पसंदीदा अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हैं। अभिनेत्रियों की बात करें तो उन्हें रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह बेहद पसंद हैं। एक्ट्रेस चांदनी सिंह जब भोजपुरी में पॉपुलर होने लगी हैं तब इनका इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई। एक्ट्रेस चांदनी सिंह अपना सारा अपडेट अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस चांदनी सिंह अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। दोस्तों, चांदनी सिंह की लव लाइफ की अगर बात करें तो चांदनी भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी सुपरस्टार हैं और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं। अब तक इन्होंने बड़े बड़े कलाकार के साथ फिल्में की हैं, एल्बम की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तक इनके रिश्ते को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। चांदनी सिंह अभी बिल्कुल सिंगल हैं और अपना सारा फोकस अपने काम पर कर रही हैं। दोस्तों, अब अगर चांदनी सिंह की इनकम की बात करें तो चांदनी सिंह एल्बम और फिल्में करके महीने के लाखों रुपए कमा रही हैं। वहीं एक्ट्रेस चांदनी सिंह की सालाना कमाई की बात करें तो वो 10 से 15 लाख रुपए कमा लेती हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम जल्दी मिलेंगे फिर किसी नए अभिनेता अभिनेत्री की बायोग्राफी लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आपको हमारे चैनल माय भारत की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।